बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नरक से कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, और वो भी विदाउट कीमा, यानी बीफ का जो कीमा है उसके बगैर। नरगिसी कोफ्ते अक्सर बनाए जाते हैं चिकन के कीमे से और बीफ के कीमे से, मगर मैं इसे बगैर चिकन ऐड किए और बीफ ऐड किए मैं इसे आलूओं के ज़रिए बनाऊंगी। आलूओं के साथ आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आपको लगेंगे और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। चलें इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अंडों की कोटिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले बॉयल किए हुए आलू लेंगे। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छे से बॉयल करने के बाद इनको मैश कर लीजिएगा मैशर की मदद से। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम ड्राई वाला पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और नमक डाल देंगे यानी सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे और 1 टेबल स्पून भर के ड्राई वाली कसूरी मेथी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फिर तकरीबन 2 टेबल स्पून योगर्ट यानी दही डाल देंगे। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर देंगे आलूओं में। पोटैटो का जो मसाला हमने तैयार किया था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉयल किए हुए एग ले लेंगे और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा इस तरह से, और फिर उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है हम हाथों पे इस तरह फैला लेंगे। अच्छे से इक्वली आपने फैला लेना है। और इसके बाद जो हमने बॉयल किया हुआ अंडा लिया है वो हम इस तरह सेंटर में रखेंगे और इस तरह से साइड से जो कोटिंग है उससे इस तरह से पूरे अंडे को कवर कर देंगे। इस तरह से कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़नी आपने जो कोटिंग के बगैर हो। इसी तरह से हमने सारा इसको कोट कर देना अच्छे से। बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे अंडों की कोटिंग कर लेनी है। सारे कोफ्तों को इस तरह से कवर करने के बाद हम इनकी कोटिंग करेंगे अंडे में और ब्रेड क्रम्स में। इस तरह से पहले हम अंडे से कोट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। सारे कोफ्तों की ब्रेड क्रम से कोटिंग करने के बाद हम इन्हें इसके बाद ऑयल में फ्राई करेंगे। हमने कोफ्तों को क्रिस्पी और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेटर में निकाल लेंगे। आपको मैं एक सेंटर से काट के दिखा देती हूँ। बहुत ही ये क्रिस्पी, बाहर से इसकी जो है कवरिंग बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखें सेंटर से हमने इसे कट लगाना है और सॉफ्ट भी बहुत ही बना है, ये देखें। आपको मेरी ये रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी नई रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।